Adjectives define the quality of noun and pronoun. Using proper adjectives, we have the right sentence that conveys meaning that we actually want. This is Aditya Dubey, and I'm going to discuss one confusion that is generally there in discussion among students. मैं बात करूंगा few और little के difference के बारे में. Students, कई बार ये adjectives हम गलत तरह से इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हम sentence का proper meaning नहीं दे पाते. So first thing is, few is used with numbers, means places where you have countability of the things, there we use few, and little we use with the quantities. मतलब few और little के अगर literal meaning की बात करें, हिंदी meaning की बात करें, तो हिंदी meaning same रहता है. Few का मतलब भी है थोड़ा, little का मतलब भी है थोड़ा, but difference ये है, little is used with the quantities, amount, whereas few is used with the number. So students, अगर एक sentence है, there are a few students in class, so this will be appropriate, but if I say there are little students in class, that will be wrong. अगर मैं कहता हूँ कि there is little amount of sugar in tea, that's correct, because that shows a certain quantity amount. ठीक उसी तरह से अगर मैंने गलती से कहा there is few amount of sugar, तो हिंदी में तो सेंस वही आ रहा है, लेकिन हमने एडजेक्टिव गलत यूज किया है. तो ये टॉपिक आपके रिटन एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपके स्पोकन के पार्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. हमें बहुत ही क्लियर होना चाहिए लिटिल और फ्यू के यूज को लेकर के. कई बार ऐसे सेंटेंसेस एग्जाम में आते हैं, देयर आर नॉट लेस देन 50 पर्संस इन क्लास. तो यहाँ पे सोचने की बात है कि 50 पर्संस दैट इज काउंटेबल, तो काउंटेबल के साथ लिटिल, लेस, लीस्ट क्या यूज होगा? ऑब्वियसली नो, देयर लिटिल, लेस, लीस्ट ये डिग्रीज है, ये पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री है. तो यहाँ पे चूंकि 50 पर्संस काउंटेबल है, यहाँ पे हमें लेस की बजाय फ्यूअर लगाना पड़ेगा. तो हमारा सेंटेंस होता है देयर आर नो फ्यूअर देन 50 स्टूडेंट्स इन क्लास, ये आपका प्रॉपर सेंटेंस होगा. तो ऐसे कई सेंटेंसेस बनाइए जिनमें आप ये सेग्रीगेट आसानी से कर पाए कि लिटिल और फ्यू के राइट सेंटेंसेस क्या है, कैसे आप क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं और किस तरह से आप नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो आपको इसका क्लियर आइडिया होगा. आई वुड सजेस्ट मेक मोर एंड मोर सेंटेंसेस. नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट, दैट इज देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स एंड दे हैव डिफरेंट सेंस. लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये तीन फॉर्म्स हैं जिनके अलग अलग सेंस हैं. कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे राइट ऑप्शन सेलेक्ट कराया जाता है कि आप इसमें से लिटिल सेलेक्ट करेंगे या अ लिटिल सेलेक्ट करेंगे. तो ये बात तो आपको अच्छे समझ में आ गई है कि लिटिल हम क्वांटिटी के साथ लगाते हैं, फ्यू हम नंबर्स के साथ लगाते हैं. अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि इन आर्टिकल्स की वजह से क्या डिफरेंस आया है, क्या सेंस में डिफरेंस आया है, हम इस पर डिस्कशन करेंगे. जिस तरह से लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल होता है, उसी तरह से फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू होता है. सो स्टूडेंट्स, आर्टिकल का आपको अंदाजा होगा कि आर्टिकल्स हम दो तरह से यूज करते हैं. जब हम कोई जनरल डिस्कशन करते हैं तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करते हैं, और जब हम कोई स्पेसिफिक डिस्कशन करते हैं तो हम आर्टिकल द यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं. आई होप यू मस्ट बी अवेयर. एक ही सेंटेंस में आ भी लग सकता है, द भी लग सकता है, और डिफरेंट सेंस देते हैं. जैसे मैंने कहा आई हैव अ ट्रिक, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ जनरल ट्रिक. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक ट्रिक. आई हैव अ प्लान, दैट मीन्स सम एनी प्लान कैन बी देयर. आई हैव एन आइडिया टू शेयर विद यू, मीन्स एनी आइडिया कैन बी देयर. बट इफ आई से दिस इज द आइडिया दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू, हियर आई एम फोकसिंग दैट पर्टिकुलर आइडिया. आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट दैट आइडिया. I have a car, that means any general car, and this is the car by which I come to office, here I am highlighting that car. So जिस तरह से आपकी understanding strong है articles को लेकर के, ठीक उसी तरह से आपको बहुत ही interesting fact पता चलेगा जब आप difference करेंगे little, a little, the little. कई बार fluent way पे हम इसे lil भी कहते हैं, lil, a lil, the lil. So let us discuss. स्टूडेंट्स, जब आप लिटिल का यूज करते हैं तो सेंस नेगेटिव आता है. नेगेटिव सेंस आने का मतलब है कि जो आपका पर्पस है वो सॉल्व नहीं हुआ.
फॉर एग्जाम्पल इफ आई से चाय नहीं बन पाई क्योंकि दूध बहुत कम था, मतलब दूध इतना कम था कि चाय अल्टीमेटली नहीं बन पाई, सेंस यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है. सो आई कैन सिंपली मेक अ सेंटेंस, टी कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड एज देयर वॉज लिटिल अमाउंट ऑफ मिल्क. नाउ इफ आई से केवल दो कप चाय बन पाई क्योंकि दूध कम था, अब दूध यहाँ भी कम था बट दो कप एटलीस्ट चाय बनी, इट मीन्स हमारा कुछ पर्पज सॉल्व हुआ. पॉजिटिविटी इज देयर, तो जब पॉजिटिविटी होगी तो यहाँ पे अ लिटिल लगेगा. Only two cups of tea could be prepared as there was a little amount of milk. Positivity is there. Now, if I take a specification, जितना भी दूध था वो बिल्ली पी गई. The little amount of milk which was available that was drunk by a cat. Here, I have just highlighted the little amount of milk, that particular amount of milk which was available. So, students, it's so interesting. You can make so many sentences. I could not quench my thirst as there was little amount of water. My objective was to quench my thirst, but it was not solved, it was not fulfilled, because the water was little. If I say I could quench my thirst a little bit as there was a little amount of water, that means something is resolved, at least some positivity is there. And the little amount of water which was available that was drunk by a crow. Here, I'm specifying that particular amount of water which was available. Sounds interesting or not? You can easily differentiate with so many examples. Same case gets applied with few, a few, the few. If I say, meeting could not be conducted as there were few members. Means number of members were so less, it means meeting, the purpose of meeting was not fulfilled, so meeting could not be conducted. Completely negative sense is there. And if I say meeting could be conducted for some time only as there were a few members, here a sense of positivity is there, that's the reason I'm using a few. Now if I highlight, the few members who came for meeting got an urgent call and they returned their homes. Here I am highlighting the number of people who were specifically, they came for meeting, but they were not so many, there were some people, right? So I am highlighting that specific, those specific number of people. So little, a little, the little, few, a few, the few. I hope you would have understood this concept and you will find confidence in your formation of sentences and you will utilize these usage in your communication skills. So students, I'll see you in the next video with one more concept. Stay tuned with us and do like and subscribe our channel. Thank you. Jai Hind. अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे.